हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनी हुई हूँ रेड रेड सी, और मैं अभी शीशे के आगे खड़ी हो रही थी फोन पे बात करते करते, तो सोचा ब्लॉग भी मैं यहीं से स्टार्ट करूँ अपना। तो बस अभी आई हूँ मैं शॉप से, अभी चेंज वेंज कुछ भी नहीं किया है मैंने, तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग का स्टार्ट इसी टाइप से किया जाए। तो चलिए फिर, अभी बन रही है चाय और करती हूँ मैं चेंज। और पता है, इतनी स्वेटर में अभी इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, और ये जो शीशा है ना, इसमें मतलब इतने स्क्रैचेस आ गए हैं, तो इसे ना अच्छे से थोड़ा साफ करना पड़ेगा, तब जाके होगा ये थोड़ा सा ठीक। तो ये स्क्रैचेस हैं जो यहाँ पे हैं, और यहाँ पे ना लाइट छोटी वाली लगा रखी है, ये वाली, क्योंकि ये वाला पोर्शन हम लोगों का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए तो इस वजह से यहाँ पे छोटी लाइट लगा रखी है, तो शायद मैं साफ नहीं दिख रही होंगी। इधर किचन में देखिए कितनी अच्छी लाइट है। तो चलिए पहले मैं चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो कर लिया है मैंने अभी चेंज, और चाय भी बन गई है। तो चाय के साथ मैं खाने वाली हूँ पराठा और ये अचार। तो ये है पराठा सुबह का, और ये चाय, और ये अचार, और ये कप ना मैं बहुत जल्दी चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि दोनों तीनों जो कप थे ना टूट गए हैं, तो नए लेके आऊँगी जल्दी से जल्दी। तो अचार खाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ इस घर में, और किसी को पसंद नहीं है अचार, तो मुझे ख़त्म करना पड़ता है। और अचार मैंने पता कितना टाइप के बना दिए हैं, आंवले का अलग बना दिया, मुरब्बा अलग बना दिया है, नींबू का अचार अलग बना दिया है, मिर्ची का अलग बना दिया है, तो बहुत सारे टाइप के अचार हो गए हैं। तो अभी वो फटाफट से ख़त्म भी करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा दिनों तक ख़राब भी हो जाता है। तो बस अभी मैंने आज लंच नहीं किया था, सुबह मैंने बनाया बनाया था, और लेट इतनी हो गई थी कि मतलब पैक करने तक का भी टाइम नहीं मिला, फटाफट से ऐसे ही चली गई मैं शॉप पे, तो इसलिए मैंने कुछ खाया भी नहीं। तो बस अभी लग रही थी भूख, तो सोचा फटाफट से खा लेते हैं। तो बाहर से आने के बाद तो हर किसी को भूख लग जाती है, वैसे भी जब बाहर से आओ तो कुछ ना कुछ होता है मन, चाहे खाना खाया भी हो तो मन होता है कुछ ना कुछ खाने का, तो वही हो रहा है मेरे साथ। तो चलिए फिर मैं पहले खाती हूँ ये पराठा, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो चाय पीने के बाद मैंने संभाले यहाँ पे कपड़े, और ये मैंने काट दिया है प्याज, तो आज बनेगी प्याज की सब्जी। और पोछा लगाया मैंने, और किया मैंने मशीन का काम, क्योंकि मशीन में भी थोड़े से कपड़े रह गए थे धोने के लिए। तो जो ये वाले स्टॉल है ना, ये वाले स्टॉल, ये हमें जब शादी में गए थे तो वहाँ से मिलने हैं ये। तो जैसे मतलब बारात बारात आती है ना वहाँ पे, तो ये उड़ाए जाते हैं शायद वहाँ पे, तो ये स्टॉल अमित लेके आए थे वहां से, तो अच्छे लगे मुझे ये, दूल्हा ओढ़ता है ना जैसे वो वाले। इतना काम निपटाते निपटाते 7:15 बज गए हैं, और अभी सब्जी काट दी है मैंने, तो फटाफट से छौंकती हूँ मैं सब्जी, क्योंकि पता है क्या है, सब्जियाँ कुछ थी नहीं आज, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्याज और टमाटर की सब्जी बनाऊँ, अच्छी होती है प्याज और टमाटर की सब्जी, हमें पसंद है, तो इसलिए तो प्याज और टमाटर की सब्जी बनेगी आज। और सब्जियाँ आएंगी अब सीधे परसों वेनसडे वाले दिन, क्योंकि बुद्ध मार्केट लगता है, वहीं से लगता है मुझे अच्छा फायदा सब्जी खाने में, बाहर से मैं सब्जियां बहुत कम लेके आती हूँ। तो आज बनेगी प्याज टमाटर की सब्जी, तो चलिए बनाते हैं। तो ये बन गई है टमाटर और प्याज की सब्जी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हल्का सा पानी भी किया हुआ है, मतलब रस किया हुआ है थोड़ा सा, तो काफी टेस्टी होती है ये सब्जी। Yeah, I went and tried to tell her that I love her, and she told me you can find your way to the friend zone. It's whatever. I don't even care anymore. I just really want to be alone. My best friend keep on blowing up my phone, trying to ask me if I'm good, man. What do you think? I mean, really, if I'm trying to be real, then I already know what it is. The best thing you could ever want to wish for at the best time of the year. National Friends Day. I'm as green as I wanna be. Cruising through the late night shifts on a jet ski, blowing out, blowing smoke out my head. It's fine. I don't even know the time. I don't really know the feel. She don't even know what's up. Tell her, tell me how you really feel. But she don't really give a damn. Still tell me take a hand. Why we even turning up? You remember what the day is? तो रोटी भी बन गई है, और अमित को तो मैंने दे दी है रोटी, अब बची मैं आराम से खाऊंगी जब मेरे काम निपट जाएंगे। तो खाना वाना
खाना बनाने के बाद इतना फैल जाता है ना किचन, चाहे आप तीन लोग आदमी घर पे हो, चाहे दो हो, चाहे दस लोगों के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए अमित का, क्योंकि अमित जब से शादी से आए ना तब से अपने कपड़े ऊपर लेके नहीं आए हैं और मुझे कह रहे धोना, तो अपने काम भी नहीं हो रहे इनसे ढंग से। नीचे तो हो रहा है अंधेरा क्योंकि भाभी लोग जा रखे हैं शादी में, आजकल बहुत शादियां हो रही हैं यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे की पहले लाइट करती हूँ ऑन, बाहर रोड पे तो अभी अंधेरा हो रखा है क्योंकि ये वाली जो लाइट है ना ये बहुत ही कम होती है इसकी रोशनी, मतलब आने जाने लायक हो जाती है। और वो रही हमारी गाड़ी, और चार पांच दिन बाद निकल रहे हैं आज कपड़े बाहर, तो चलिए चलती हूँ मैं भी लेने के लिए। तो ले आई हूँ मैं कपड़े नीचे से, और कपड़ों की इतनी बुरी हालत बना रखी है कि मतलब जैसे कपड़े पहने होंगे और निकाले होंगे तो सीधे गाड़ी के अंदर ही पैक हुए वो, और मतलब इतने गंदे तरीके से रखे हुए हैं ना वो, मतलब इतना ब्लेजर ब्लेजर सारे ऐसे हो रखे हैं सारे गंदे। अब वो घर पे तो धुले नहीं जाएंगे, अब उनको तो ड्राई क्लीन के लिए देना पड़ेगा, तो ड्राई क्लीन के लिए दूंगी मैं उनको। तो बस ब्लॉग एंड में भी कर रही हूँ यहीं पे। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग बताइएगा जरूर कमेंट करके, और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।